हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हो। मैं हूँ शायनी, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। आज एक नया प्रोजेक्ट लेके आई हूँ, पिन कुशंस, जिसके 2 वेरिएशंस आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो देखते हैं। ये सारे पिन कुशंस हैं जो बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है और बहुत क्यूट सा है। इसको आप कहीं भी रख सकते हो, आपके वर्क स्टेशन पे, जैसे स्टडी टेबल पे और आपके क्राफ्टिंग टेबल पे। ये बहुत अच्छा प्यारा सा एक लुक देता है। और आज हम इसमें से 2 पिन कुशन सीखेंगे। पहले सीखेंगे चिकन पिन कुशन। सबसे पहले वी नीड 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक ऑफ 4x4 इंचेस, जिससे चिकन का आउटर पार्ट बनेगा। और ये है चिकन का विंग्स, और ये छोटा सा 1 इंच का 2 स्क्वायर है, जिससे चिकन का बीक बनेगा, मतलब चोंच और टेल। और ये छोटा सा 2x1 इंच का रेक्टेंगुलर पीस से बनेगा चिकन का कोम्ब। ये इससे बनेगा चिकन का वाटेल, जो चोंच के नीचे आते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में 4x4 फैब्रिक के ऊपर चिकन की चोंच और चिकन की कोम्ब को प्लेस करना है। इसके लिए जो 1 इंच के स्क्वायर है, उसको मैंने ट्रायंगुलर शेप में लेके आया और उसको ऊपर से 1/4 इंच छोड़ के नीचे पिन अप कर दिया। इसे बनेगा चिकन का कोम्ब, जिसको मैंने डबल फोल्ड किया और इसके जो रॉ एजेस है उसको ऊपर की तरफ रख के इसको भी पिन अप करके सिक्योर कर देना है। ये वाटेल को चिकन की चोंच के बिल्कुल नीचे रख के पिन अप कर देना है। और ये है सेकेंड 4x4 फैब्रिक, जिसको इसके ऊपर रखना है और सीधा साइड को अंदर की तरफ रख के पूरा सिक्योर कर देना है। इसके बाद आएगा स्टिचिंग। अब ये जो बॉक्स बना है, इसका तीनों साइड में स्टिच लगेगा। अब देखना है कहाँ से कहाँ स्टिच लगेगा। ये नीचे वाले कॉर्नर से एकदम टॉप तक, टॉप से लेफ्ट कॉर्नर तक स्टिच लगेगा। और ये जो लेफ्ट साइड का पार्ट है, इसको पूरा छोड़ देना है और नीचे का थोड़ा सा ओपनिंग स्पेस रख के बोथ साइड स्टिच लगा देना है। मैंने दोनों तरफ स्टिच लगा दिया है। इसके बाद मैंने इसको फ्लिप किया। फ्लिप करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसको फिर से उल्टा कर दिया मैंने, और जो नीचे का ओपनिंग स्पेस है उसको छोड़ के दोनों साइड में स्टिच लगा रही हूँ। तो तीनों साइड अभी स्टिचिंग हो गया। अब जिस साइड हमने खुला रखा था, उसी साइड में टेल लगेगा। तो टेल के लिए क्या करना है, जैसे हमने चोंच बनाया था वैसे ही बनाना है इसको भी। और फैब्रिक को ऐसे ट्रायंगल शेप में लेके आना है, जिसका 2 सीम एक ही जगह होना चाहिए, और ठीक इसके बीच में टेल को प्लेस करना है। टेल का जो पीक पॉइंट है वो नीचे की तरफ रहेगा, और इसको ऐसे सिक्योर करके पूरा स्टिच से बंद कर देना है। बस बन गया हमारा चिकन। अभी स्टफिंग डालना है इसमें। स्टिचिंग हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है, ये फैब्रिक को फ्लिप कर लेना है और इसमें फिलर डालना है। फिलर के लिए हम कॉटन और राइस का यूज़ करेंगे। कॉटन कोई भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने ओल्ड सॉफ्ट टॉयज का यूज़ किया इधर। और चावल हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि चिकन में थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाए और थोड़ा हेवी बन जाए चिकन। अच्छे से स्टफिंग डाल दिया। अभी जो करना है, ये जो ओपनिंग स्पेस है उसको हैंड स्टिच करके बंद कर देना है। चिकन रेडी हो गया। अब इसको थोड़ा डेकोरेट करने के लिए इसका कोम्ब थोड़ा कट कर देना है, ताकि ये थोड़ा फ्लफी दिखे। और पिन लगा के इसका आइज बना देना है, और इसका विंग्स उसको भी दोनों साइड पिन से लगा देना है। बस रेडी हो गया हमारा पिन कुशन। Thank you.
ये है डोनट पिन कुशंस की पेपर पैटर्न, जिसके मदद से हमें दो बेस और एक आइसिंग कट करना है। आइसिंग कट हो जाने के बाद इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग करना है, और फ्रॉस्टिंग के लिए कोई भी बीड्स ले सकते हो छोटे। मेरे पास अभी ये गोल्डन कलर की बीड्स है, तो मैं इसको ही ये आइसिंग के ऊपर सुई धागा की मदद से लगा लूँगी। फ्रॉस्टिंग हो गया, अभी क्या करना है, एक बेस लेना है और आइसिंग को इसके ऊपर लगा देना है। इसको फैब्रिक ग्लू से भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने इधर एम्ब्रॉयडरी थ्रेड यूज़ करके ब्लैंकेट स्टिच दे दिया। अब डोनट के तीनों लेयर्स को एक साथ लेना है और इसके बीच में जो सेंटर है उसके ऑल अराउंड एजेस में स्टिच लगा के बंद कर देना है। अब डोनट्स के आउटर एज में 2 इंच का गैप छोड़ के पूरे में स्टिच लगा देना है, उसी गैप से हम फिलर डालेंगे।